हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं हर्ष और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गेमिंग विद हर्ष। तो भाई आज हम फिर से करेंगे पोकेमॉन एमरल्ड की जर्नी को कंटिन्यू। तो पिछले बार हम इस जगह पे आ चुके थे, अगर पिछला एपिसोड देखे हो तो फिर इन एक और मैग्मा वालों ने क्या किया था, सीधे गए और ग्राउंडर और कायोगर को सीधे एक दूसरे से लड़वाने के लिए भेज दिए। अब ये लोग तो कुछ रोकने वाले हैं नहीं, हमको ही रोकना पड़ेगा इन लोग को। तो फिर पिछले एपिसोड में हमारा जो चैंपियन स्टीवन, वो हमको कुछ गुफा के पास लेके आया था। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, वहीं पे जा रहा हूँ अभी। ये जो गुफा दिख रही है ना, उसके अंदर एक जन बंदा है, हमको उससे बात करनी है, वो हमको कुछ बताएगा। उसके मदद से हम लोग कायोगर और ग्राउडॉन को रोकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल तो जेप्टाइल को सबसे आगे रखा हुआ है और यहाँ पर पहले रिपील लगा लेते हैं, नहीं तो बाद में वाइल्ड पोकेमॉन बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए आ जाते हैं। वैसे भी इस जगह का कोई भरोसा है नहीं, मैक्स रिपील अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी सुपर रिपील से काम चला लेते हैं, बाद में करेंगे मैक्स रिपील वगैरह का यूज़, अभी ज़रूरत नहीं है हमको। तो अभी रास्ता तो मेरे को मालूम है नहीं, बस जहाँ पर भी जा रहा हूँ ऐसी मन जहाँ मन कर रहा वहीं चले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा शायद यही आदमी है, तो चलो बात करते हैं इससे। तो ठीक है, हैव यू टोल्ड द एक्सप्लॉइट्स? हाँ भाई, माय नेम इज़ वैलेंस, ठीक है, जिम लीडर ऑफ स्टेट पोर्ट्स, ठीक है, ये जिम लीडर है, ठीक है। तो फिर ये जिम लीडर है हमारे आठवें जिम लीडर का, तो ये बता रहा है कि इन दोनों पोकेमोन के अलावा एक और पोकेमोन था जिसका नाम था रिक्वेजा। हाँ, तो रिक्वेजा को हमको ढूंढना होगा क्योंकि वही एक अकेला है जो इसको रोक सकता है इन दोनों को लड़ने से। तो फिर इसने लोकेशन पूछी तो स्काई पिलर पे है रिक्वेजा, मेरे को पता है, तो स्काई पिलर पे जाना होगा अब हमको। तो वैसे चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना। और मेरी आवाज़ चेंज लग रही है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और इसी कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था एमरल्ड की वीडियो दरअसल बहुत ज़्यादा लंबी होती है ना, तो इतनी लंबी लंबी वीडियोस को मतलब मुश्किल होता है मेरे लिए बनाना, अभी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, तो फिर मुश्किल हो जा रहा था मेरे लिए इतनी लंबी वीडियो को रिकॉर्ड करने। इस कारण से मैं छोटी छोटी वीडियोस अभी मस्ते के डालता था, तो अभी थोड़ा सा मेरे को ठीक लगा है तो फिर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल मैं अभी अपना मैप में देख रहा हूँ कि जो स्टेट पोर्ट पिलर्स हैं वो है कहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पर है। सबसे पहले तो भाई स्लो मोशन मतलब नॉर्मल स्पीड कर लेते हैं, मैं फास्ट फॉरवर्ड पे रखा था अपने गेम को, ठीक है। तो ये है पहले कुछ एक मिनट, हाँ, यहाँ पर हम लोग फ्लाई करके नहीं जा सकते, इसी रूट पे है, यानी कि अब हम लोग को पूरी तरह से सफ़र करके वहाँ पर जाना होगा। तो गेम को फास्ट फॉरवर्ड पर करेंगे और उसके बाद अभी आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ रिपील ख़त्म हो गया, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, तो आगे चलते हैं। मेरे हिसाब से यही पानी से हमको जाना होगा। ये देखो ग्राउडॉन और कायोगर लड़ रहे, लेकिन लड़ने वाला तो कुछ लग नहीं रहा, अब क्या करें। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर अरे वाइल्ड पोकेमॉन आ गया, तो रिपील लगाना पड़ेगा, रिपील लगा लेते हैं पहले, तो ठीक है। तो रिपील हम लगा चुके हैं, अब आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि क्या पता भाई, देखते रहो, ठीक है। यहाँ पर अभी आगे चल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये जगह मेरे को याद है शायद, जहाँ पर मैं फ्लाई करके जाना चाहता हूँ वहाँ पर हम लोग जा नहीं पाए थे। और ट्रेनर बैटल, यार ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है ट्रेनर बैटल का, ट्रेनर बैटल करने का ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है भाई। मतलब ट्रेनर बैटल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए क्योंकि उनसे ही लड़ने पर हमारे पोकेमॉन्स का लेवल अप होता है, लेकिन क्या टाइमिंग, अभी सोचे ना, अभी कायोगर और ग्राउडॉन लड़ रहे हैं, रिक्वेजा को ढूंढने जा रहे हैं, उस टाइम पे ट्रेनर आके आपको पकड़ेंगे तो कैसा लगेगा। मुझे तो इतना ख़राब लगा ना, कसम से मन कर रहा है सबको वन हिट करके मारूं। अरे यार अब ये भी कहाँ तैर रहा है एकदम स्पीड में, यहाँ से निकलो भाई, निकलो निकलो। अरे यार रिपील ख़त्म हो गया, अब रिपील तो लगा के जाएंगे नहीं तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। अरे यार यहाँ नीचे से जाते हैं वहाँ पर, अरे यहाँ पर तो डबल बैटल हो गई, ठीक है, इनको भी हरा दिए। अभी आगे देखते हैं रास्ते को, ठीक है, वहाँ पर एक बंदा था, बच गए भाई। ये आगे का रास्ता इधर से होगा शायद से, जाके देखते हैं। अरे यहाँ पर फिर से डबल बैटल, यहाँ पर लगता है बैटल करनी ही पड़ेगी। अरे बच गए भाई। अरे यार वो रिपील के कारण अटक गए। अब यहाँ पर इससे भी मुकाबला शायद करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसको भी हरा चुके। अभी इन लोग से बचने की कोशिश करूँगा। अरे यार अब कभी ट्रेनर को चैन नहीं होता, कभी वाइल्ड पोकेमॉन को नहीं होता,
दोनों का इलाज करना पड़ेगा। लो भाई इसने भी पकड़ लिया। अभी क्या है भाई, लव डिस्क, ये तो ख़त्म। जेप्टाइल अभी बहुत ज़्यादा एडवांटेज में है ना, हमारे अगले जिम में भी जेप्टाइल ही हमारा मेन लीड करेगा। यहाँ पर पोकेमॉन सेंटर दिखा तो फिर वक्त गंवाए बिना तुरंत से घुस गया मैं, क्योंकि पोकेमॉन्स को हील करना बहुत ज़रूरी था। तो भाई वो पिलर है यहाँ पे, उसको ढूंढने जाना पड़ेगा। यहीं कहीं पे तो था, आगे ही कहीं पत्थर के शायद छुपा हो कहीं पे, एक बार देखता हूँ। इधर से तो रास्ता है ही नहीं, उन पत्थरों के बीच में ही होगा मेरे को लगता है, एक पिलर होगा गुफा टाइप का, थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा उसका, एक बार देखता हूँ। एक मिनट, रास्ता भूल गया मैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये है वो जगह। तो हमको यहाँ से जाना है, यहाँ से हम जाएंगे सर्फ करके पहले तो रिपील, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आगे जाएंगे, उसके बाद इधर शायद यहाँ ऊपर होगा, एक बार ऊपर जाके देखता हूँ। यहाँ पर रास्ता तो जा रहा है शायद यहाँ पर हो, तो ठीक है यहाँ पर है गुफा टाइप का है, यही है शायद वो जगह, एक बार जाके देखता हूँ तुरंत से। ठीक है बड़ी अजीब जगह है, ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है यहाँ पर आ गया वैलेंस जिम लीडर जो है, हम स्काई पिलर में बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत जितने भी जो थे ना रास्ते, उसको उसने क्लियर करके रख दिया है। तो यहाँ इसी के अंदर होगा रिक्वेजा, और बोला है कि भाई तू अपने मिशन पे फेल मत होना, रिक्वेजा को जाग गया है तो फिर पकड़ के ही आना, मतलब जगा के ही आना ताकि उन दोनों को रोक सके। तो फिर अभी जाएंगे और उनको रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ का रास्ता ज़्यादा घुमाने वाला है नहीं, सीधा सीधा सा रास्ता है, और रिपील तो लगा कर ही जाएंगे, नहीं तो फिर वाइल्ड पोकेमॉन्स आने लगते हैं। यहाँ पर इसका सीधा सीधा रास्ता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर शायद गिरना होगा यहाँ पर, हाँ ठीक है बीच वाला रास्ता है। फिर इधर तो है नहीं, यही वाला दरवाज़ा है, उधर जाना पड़ेगा। ठीक है तो हम लोग आ गए, शायद यही जगह है, आसानी से रास्ता था, नहीं तो कई जगह तो घूम जाते पूरी तरीके से। ये एक सांप जैसे बन के बैठा हुआ है हमारा रिक्वेजा, तो फिर अभी जाएंगे और रिक्वेजा को जगाएंगे। ठीक है तो फिर चलो अंदर जाते हैं। हेलो रिक्वेजा, रिक्वेजा उड़ गया, बस इतना ही। मेरे को लगा था कुछ एनिमेशन वगैरह कुछ उसको दिखाएंगे अच्छे से, पर कोई मतलब नहीं, अब सीधे फ्लाई करके उसी जगह पर जाएंगे, नहीं तो फिर रास्ते से जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके ये रिक्वेजा आ गया है उड़ के एकदम लेजेंडरी स्टाइल में, और रिक्वेजा के आते ही डर के भाग गए दोनों। वापस लड़ोगे कभी ग्राउडर और कायोगर? उनकी गलती नहीं, गलती तो नहीं मैको और मैकमा वाले की, कहाँ हैं ये लोग? हाँ ये रहे, लड़ लो भाई आखिरी बार, तुम लोग को वैसे भी हराने का बहुत मन कर रहा है, मेरे को बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किए तुम लोग। दो एपिसोड से हम लोग, पिछले दो एपिसोड से हम लोग कायोगर और रिक्वेजा और ये क्या नाम है ग्राउडर के पीछे पड़े हुए हैं। अभी इसने हमको दिया है वाटरफॉल, जो कि जिम में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, मतलब आगे चल के रास्ते में हमारा काम आएगा, विक्ट्री रोड पे जाएंगे तो। अब यहाँ पर स्टीवन एक वैसे भी बात कर लेते हैं। हेलो मैसी अर्जी, ठीक है वो लोग भाग गए हैं और ब्लैक के इन लोग को क्या भाई, अब मेरे को मतलब नहीं। अभी एक काम करता हूँ, सीधे जिम में जाता हूँ और जाके जिम मुकाबला करता हूँ। वैसे भी अभी एपिसोड लंबा हुआ नहीं है, तो आज के एपिसोड में शायद मैं जिम को हरा दूंगा। तो फिर एक काम करता हूँ, जाऊंगा और जिम को हराऊंगा। तो सबसे पहले तो हमारे वाटरफॉल को सिखा लेते हैं किसी को। अजू मेरा ही अकेला है, इसके पास पहले ही 3 कैच एम है, तो रोल आउट की जगह हटा देते हैं। हमारा अजू मेरा तो सिर्फ एचएम का ही, एचएम ही बिक गया पूरा। चलो छोड़ो, ठीक है वाटर टाइप अभी जुआन है। ये बोल रहा है कि जिम लीडर अभी नहीं है इस जगह पे, अरे वो बोल रहा था कि जिम लीडर नहीं है अभी इस जगह पे और जुआन है कुछ यहाँ का जिम लीडर अभी। लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आई, बर्फ़ के नीचे कहाँ से गिर गया मैं, नीचे जाना है शायद, इससे भी मुकाबला करना पड़ेगा। गोल्ड इन है, गोल्ड इन तो लीड प्लेट काफ़ी है, लेकिन यहाँ का रास्ता थोड़ा सा अजीब है। यहाँ पर सीढ़ी है शायद, यहीं से ऊपर जाएंगे। अच्छा यहाँ पर से सीढ़ी बार बार ऊपर आएंगे, तो इस बर्फ़ से शायद हम लोग को ना एक बारी में दौड़ के निकलना होगा। तो पहले मैं यहाँ पर एक आइटम ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है एम्यूलेट कॉइन, जो कि मेरे पास नहीं है शायद से, लग तो नहीं रहा नहीं है मेरे पास शायद से, क्योंकि क्या होता है उससे ना हमारे पैसे डबल हो जाते हैं, और भी जैम मतलब ये आखिरी जिम लीडर है, उसके बाद ज़्यादा पैसे मिलने के भी चांसेस हैं नहीं, तो फिर पैसे मिल जाते बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पर इस बर्फ़ से ना बाप रे बार बार नीचे गिर रहा हूँ मैं, शायद इस बर्फ़ में जाने का अलग ही सिस्टम होगा, एक बार कैसे जाया जाए सोचने वाली बात है।
शायद इसके हर एक बर्फ के ऊपर से हमको जाना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सारे बर्फ के ऊपर से हमको जाना है। तो फिर हमको सारे बर्फ को ऐसे मतलब ऐसे हाफ टूट रहे हैं ना, वैसे करना है और वहाँ से जाना है। तो पहले इन दोनों से मुकाबला कर लेते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा, लेवल बढ़ेगा। तो मतलब मेरे को सिस्टम तो समझ में आ चुका है, मतलब सारे जो है ना यहाँ पर ये बर्फ़ को ऐसे सारे बर्फ़ को फोड़ना है, नहीं तो फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही गिर जाएंगे नीचे। तो जैसे चलते थे वैसे ही चलेंगे आराम से। हाँ ये देखो, अब यहाँ पर से जाना होगा, यहाँ पर मुझे सोचना पड़ेगा कैसे जाया जाए। पहले राइट से, फिर नीचे, फिर इधर, फिर नीचे, फिर उधर, फिर इधर। हाँ खुल गया रास्ता, ऐसे ही करना आप लोग भी अगर आओगे तो। यहाँ पर तो अरे यार मैं गड़बड़ कर दिया, शायद से गड़बड़ कर दिया मैंने। हाँ अब लगता है कि गिरना ही पड़ेगा मेरे को यहाँ पर से, और कोई रास्ता है ही नहीं। अरे यार मैं तो फंस गया, गिर गया। इन लोग से बैटल मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अब फिर से इतना लंबा रास्ता घूमना पड़ेगा, अरे फिर गिर गया मैं। पहले तो यार एक काम करता हूँ, मैं ये जो गेम का स्पीड है ना उसको नॉर्मल कर देता हूँ, नहीं तो फिर बार बार मैं ऐसे ही गिरते जाऊँगा स्पीड में। कहीं पर भी मैं चले जा रहा हूँ तो इसके बाद ये देखो फिर से। अब भाई नॉर्मल स्पीड में जाएंगे और आराम से जाके हम लोग ना जनरेटर तक जाएंगे। आज आपको आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, मेरे को पता है सर्दी है ना भाई, नाक बंद है मेरी। तो यहाँ पर आराम से जाएंगे इस बार। चलो भाई ठीक है, ये वाला भी हमने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख के जाना होगा, शायद यही आखिरी जगह है, इसके बाद शायद जिम लीडर हो, तो फिर यहीं पास से जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैटर्न समझ में आ गया। यहाँ से नीचे, फिर राइट, फिर ऊपर, फिर राइट, फिर नीचे, फिर राइट, फिर नीचे, फिर राइट, नीचे, राइट, ऊपर, फिर राइट। फिर यहाँ पास के पहले पूरे बॉक्स को क्लियर करो। ठीक है बस आ गए हम लोग सीधे जिम लीडर के पास। देख जिम लीडर से लड़ने से पहले ना एक काम करूँगा, जाऊँगा और अपने पोकेमॉन को हील करा के आऊँगा। ठीक है हील करा के आता हूँ, एक काम करता हूँ पहले, उसके बाद लड़ेंगे। ठीक है तो मैं हील करा के आ चुका हूँ, अब करेंगे इससे मुकाबला। वैसे आपको एक बात बताना मैं भूल ही गया, जब मैं हील करा रहा था तब मैं सोच ही रहा था कि कौन से पोकेमॉन को आगे रखूँ, क्योंकि ये वाटर टाइप जिम है। तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि मेरा ग्रास टाइप पोकेमॉन यानी कि ज़ेप्टाली यहाँ पर मेन लीड का काम करेगा, तो फिर उसको हम लोग को संभाल के रखना होगा। और एक चीज़ और है हमारा कि आप मेरे लेआउट पे देखिए ज़रा, हमारा जो जब मैंने देखा ना तो फिर मेरे पोकेमॉन के लेवल एकदम 30 तक के थे भाई, सब पोकेमॉन के लेवल 30-35 के आसपास ही थे, उससे ज़्यादा नहीं थे, ज़ेप्टाइल वगैरह के बस ज़्यादा थे। ठीक है तो फिर इस कारण से मैंने क्या किया, पहले गया और जितने भी ट्रेनर्स थे ना उन सभी को हराया और वाइल्ड पोकेमॉन के साथ भी ट्रेनिंग किया। अभी सबका ना 50 के आसपास ही है मेरा लेवल, नहीं तो फिर आप देख रहे हो 43 लेवल के आ रहे हैं पोकेमॉन, अभी तो हमारी वाट लग जाती। अभी आ चुका है इसका मेन पोकेमॉन, ओके हाँ केंड्रा ही इसका मेन पोकेमॉन है, रेस्ट आता है इसको। अब केंड्रा को हराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, केंड्रा को हराने में बहुत ज़्यादा वाट लगेगी हमारी। स्वैलो को निकाल देते हैं यहाँ पर, एरियलेस। अरे यार फिर से रेस्ट, ये रेस्ट क्यों कर रहा है बार बार, कैसा जिम लीडर है यार। अरे भाई क्या कर रहे ये, रेस्ट पे रेस्ट किए जा रहा है बार बार का, अब फिर रेस्ट करेगा। ओए हो ये किंड्रा कितना दिमाग ख़राब करेगा भाई, तू मर जाना यार जल्दी, तू मरने का क्या लेगा, विंग अटैक। अरे भाई बस मर ही गया था यार, ये क्यों ऐसा काम कर रहा है, विंग अटैक भाई लग जा लग जा। अरे यार आइस बीम वाह हम ही को मार डाला, इतना रेस्ट किया जा रहा है भाई वो। अब कोई पोकेमॉन तो मेरे पास बचा भी नहीं है, को निकाल देते हैं, पता नहीं क्या करेगा, स्ट्रेंथ मारते हैं, नॉर्मल टाइप अटैक है, डबल टीम। मेरे को डबल टीम से बहुत डर लगता है भाई, क्योंकि सारे अटैक्स मिस होने के आ जाते हैं और उसने फिर से स्लीप कर लिया। नाउ गॉड प्लीज नाउ, कितनी बार तू करेगा, कितना करेगा रेस्ट इसका रेस्ट। अरे टॉर्कोल क्यों निकाल दिया मैं, टॉर्कोल को मरने देते हैं और काम करते हैं, इस टाइम पर अपने आइटम्स यूज़ करते हैं और हम अपना रिवाइव यूज़ करते हैं, पहले ज़ेप्टाइल को ज़िंदा करते हैं। तो ये बन चुका है हमारा पहला जिम बैटल, जिसमें हमने
आइटम का यूज़ किया है, क्योंकि इसके पहले ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ऐसे ही हरा देते थे ना। इस बार ज़रूरत पड़ी है तो फिर अभी आइटम्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर हील ढूंढ रहा हूँ एक हाथ, इतना ज़रा ना मैंने लिया था भाई, कहाँ गया मेरा, कहाँ है, मैं वो तो ख़रीदा था यार, सुपर पोशन या हाइपर पोशन में कुछ ख़रीदा था मेरे को याद है, तो फिर उसको कहाँ है एक बार देखना पड़ेगा। वहाँ पर जैप्टाइल, ठीक है हमने जैप्टाइल को फ़िलहाल तो बचा लिया, अभी जैप्टाइल शायद नहीं हरा पाएगा, इसका फ्यूचर सेट कर देते हैं, ट्रेनिंग करते होते नए नए अटैक्स भी सीख गया था तो शायद फ्यूचर सेट इसको हरा दे। अभी साइकिक करते हैं, ओ भाई थोड़ा सा रह गया वो, फिर से रेस्ट कर लिया, बताओ हर बार का यही हो रहा है, कितनी बुरी बात है यार सच्ची। अब ये मार डालेगा, ख़त्म, ठीक है गाड़ी और भी जा चुका है, अब तो भाई हमारा जैप्टाइल हमको बचाए, जैप्टाइल प्लीज़ तू ही आखिरी उम्मीद है यार हमारी, जैप्टाइल। अरे कितना रेस्ट है भाई इसके पास, रेस्ट की पीपी 10 होती है मेरे को अच्छे से पता है, पता नहीं इसने कितनी बार रेस्ट किया है, ये 7वीं या 8वीं बार होगा, और कितनी देर रेस्ट, अरे बाप रे एक दिक्कत है, हमारे लीफ ब्लेड की पीपी ख़त्म होने वाली है, वैसे भी ये अभी रेस्ट किया हुआ है, सोया हुआ है, तो फिर मैक्स एलिक्सर यूज़ कर लेते हैं, इससे इसकी पीपी हील हो जाएगी हमारे जैप्टाइल की। तो अभी लीफ ब्लेड देखो फिर 15 आ चुकी है वापस, तो इस बार भाई नहीं छोड़ूंगा, नहीं तेरे को छोड़ूंगा ही नहीं मैं, नहीं मैं जानता ही नहीं भाई, ये अटैक्स कर रहा है लगातार, यानी कि इसका पीपी ख़त्म हो चुका है, हाँ पीपी ख़त्म हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो विश कैश इसका लास्ट पोकेमॉन है, तो जैप्टाइल की एचपी कम है, रिस्क नहीं लेंगे, पहले आरान को निकालेंगे, फिर जैप्टाइल पे ना आइटम्स यूज़ करेंगे, उसका थोड़ा सा हील वील करेंगे, उसके बाद ना निकालेंगे वापस और विश कैश को ख़त्म करेंगे। तो फिर यहाँ पर है मैक्सी पिल्स, हमको क्या करना है, हमको काम है पोशन से, पोशन कहाँ है, पोशन हाइपर पोशन सुपर पोशन कोई तो होगा, किधर है वो रहा, सुपर पोशन है, 10 थोक खरीदे हैं मैंने ये, अरे यहाँ नीचे ये रहा सुपर पोशन, हाँ इससे हील कर लेते हैं पहले जैप्टाइल को पूरी तरीके से, उसके बाद विश कैश की बैंड बजाएंगे, अरे बाप रे अर्थक्वेक भी आता है, तो यहाँ पर एक और बार कर लेते हैं, उसके बाद हमारा काम बन जाना चाहिए। वाटर पल्स ओके वो फेंट हो गया, अब हमारा जैप्टाइल आखिरी उम्मीद है भाई, तू मरना मत, अब पता चला इसके विश कैश ने कोई सीक्रेट मूव कर दिया, फिर गया हम, बाप रे आखिरकार हम जीत गए ये मुकाबला, जुआन को हरा दिया भाई, इसका रेस्ट ने पूरा मूड ख़राब कर दिया था यार इतना, हाय हाय छोड़ो, मिल गया हमको 8वां बैच, अब हम हमारे पास हो चुके हैं गाइस पूरे 8 बैच, तो फिर अब हम जा सकते हैं अपने आगे की जर्नी में, आगे की जर्नी बोले तो हमारी सीधे एलीट 4 उसके बाद चैम्पियन, तो फिर हमारा गेम बस लास्ट एंडिंग पे आ ही चुका है। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही रखूँगा, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना, और एक मिनट आपको दिखाता हूँ मी में अपने जिम बैजेस दिखाता हूँ, ये देख हर्ष में होगा, ठीक है ये देखो पूरे 8 जिम बैज हो गए हैं, तो फिर अगले एपिसोड में बहुत मज़े करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहना मेरे चैनल पे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय 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 भाई और क्या।